कांग्रेस वालों से पूछना। 1975 में जब इमरजेंसी चल रही थी, पूरा देश जेल के अंदर था, उस समय उन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया बिना चर्चा के, बिना किसी के। तो एक तरीके से उन्होंने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया, प्रियम्बल में डाल दिया सोशलिस्ट और सेकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया। फिर उसके बाद 1984 में राजीव गांधी को एक ऐतिहासिक बहुमत मिला, 400 सीट से ज़्यादा मिली। उस समय नारे लगते थे, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार, और 404 सीट मिली। अगले साल 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट को बदल दिया और पूरे देश के घुसपैठियों, खासतौर पर जो असम के घुसपैठिए थे, उसका उनको लाभ मिल गया। ये सिटीजनशिप एक्ट कहता है सेक्शन 6 से कि जो असम में आ चुके हैं घुसपैठिए 71 तक, ये सब सारे के सारे नेचुरल वे में भारत के नागरिक बन गए। और उसका फायदा ये हो रहा है कि जो 71 के बाद में भी आए हैं, 85 में आए, 90 में आए, 2000 में आए, 2010 में आए, वो भी कह रहे हैं हम 71 के पहले आए थे, क्योंकि कोई बॉर्डर पे पर्ची तो कटती नहीं है कहाँ कब आए हैं, वो तो अवैध रूप से आते हैं। तो घुसपैठियों को निकालने की बजाय, घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बजाय, राजीव गांधी ने 1985 में सेक्शन 6A जोड़ दिया। और ये सेक्शन 6 से कश्मीर की आर्टिकल 35A से भी ज़्यादा खतरनाक है। कश्मीर में जितना 370 का दुष्परिणाम हुआ, आर्टिकल 35A का दुष्परिणाम हुआ, उससे ज़्यादा खतरनाक है ये धारा 6A जो असम को बर्बाद करके रखेगी। उसके बाद भी पेट नहीं भरा। अगले साल 1986 में साहबानों का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए कानून बना दिया और मुस्लिम महिलाओं को जो गुजारा भत्ता मिलना था उसको बंद कर दिया 1986 में। ये काम भी राजीव गांधी ने किया। फिर उसके बाद इस देश में मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना 1991 में, वो भी कांग्रेस ने बनाया था। आप जरा सोचिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे, और किसके द्वारा? बाबर के जरिए, हुमायूं के जरिए, औरंगजेब ने तोड़वाया, अकबर ने भी तोड़वाया, गजनी ने तोड़वाया था, गोरी ने तोड़वाया था, अहमद शाह अब्दाली ने तोड़वाया था। हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे। उन मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए कानून बनाने की बजाय 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, पूजा स्थल कानून कहते हैं, और उसने सारे के सारे मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया। 1588 में बाबर ने अयोध्या को तोड़ा, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा, 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा जो जौनपुर में है, जिसको अटाला मस्जिद कहते हैं, 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जी मंदिर का तोड़ा था, 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय मंदिर तोड़ा था, 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने, जिसके नाम पर अहमदाबाद चल रहा है, उसने भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जो अदीना मस्जिद बनी है वो भी मंदिर तोड़ के बनी है, विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने वीजा मंडल मंदिर को तोड़ के वीजा मंडल मस्जिद बनवा दिया। आपका धार में भोजशाला, सरस्वती जी के मंदिर को तोड़ के वहाँ पे भी जो है मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो कांग्रेस की ड्यूटी थी कि भाई भारत स्वतंत्र हो गया है तो एक कानून बनाए और सारे जो मठ मंदिर तोड़े गए उनको रिस्टोर करें, उनको बनवाए। वो काम नहीं किया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया और बोल दिया कि जो भी ये मुगल तोड़े थे वो सब सही है, ये सब लीगलाइज हो गया। अगले साल 1992 में मुस्लिम्स को फायदा देने के लिए और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, क्योंकि हिंदू लॉ के अनुसार, संविधान के अनुसार हिंदू जैन बौद्ध सिख, ये हिंदू जैन बौद्ध और सिख ये चारों हिंदू कहलाते हैं, लेकिन 1992 में कानून बना के सिख को भी माइनॉरिटी बना दिया, जैन को भी माइनॉरिटी बना दिया, बौद्ध को भी माइनॉरिटी बना दिया। असली मकसद था मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाना, लेकिन एक ही तीर से दो निशान साधा 1992 में। इसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। अगले साल 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया, मुस्लिम्स को पूरे देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए एक वक्फ एक्ट बनाया 1995 में। अगले फिर 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया, ये काम मनमोहन सिंह ने किया था। 2010 में FCRA बनाया, इस देश गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी एनजीओ को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, चरमपंथियों को, कट्टरपंथियों को, सफेदपोश नेताओं को, सबको फंडिंग कराने के लिए कानून बना 2010 में, उसको FCRA कहते हैं। 2012 में राइट टू एजुकेशन के दायरे से मदरसे को बाहर निकाल दिया। जब राइट टू एजुकेशन 2009 में बना था तो मदरसे भी उसके दायरे में आते थे, 2012 में उससे उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे ही अनेक 50 से ज़्यादा कानून हैं जो कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने गुलामी का नाम नहीं मिटाया, गुलामी का निशान नहीं मिटाया, गुलामी की परंपरा को नहीं खत्म किया, गुलामी के रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया।
गुलामी की भाषा को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। गुलामी की पुलिस व्यवस्था को नहीं बदला कांग्रेस ने, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को नहीं बदला कांग्रेस ने, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को कांग्रेस ने नहीं बदला, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को कांग्रेस ने नहीं बदला, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को नहीं बदला, गुलामी के जितने हमारे पुराने परंपराएं चल रही थी कि गवर्नर जाएंगे तो ऐसे सैल्यूट होगा, ये जाएंगे तो ऐसे सैल्यूट होगा, ये जाएंगे तो ऐसे सैल्यूट हो जाएगा, वो कुछ नहीं बदला। हाँ, भारत की संस्कृति को, भारत की चिकित्सा व्यवस्था को, भारत की शिक्षा व्यवस्था को, भारत की परंपरा को, भारतीय ज्ञान विज्ञान को खत्म करने के लिए एक के बाद एक के बाद एक 50 कानून बनाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार वोट देने से पहले कांग्रेस के नेताओं से जरूर पूछना, एक बार वोट देने के पहले कांग्रेस के नेताओं से यह पूछना कि तुमने गुलामी का कौन सा निशान मिटाया, तुमने गुलामी के खिलाफ कितने काम किए और तुमने वेद पुराण को क्यों नहीं लागू किया, तब तो ऐतिहासिक बहुमत था। आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि आपके तो पास 1950 से लेके नेहरू जी को लगातार ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा था, इंदिरा जी को लगातार ऐतिहासिक बहुमत मिला, राजीव गांधी को तो 404 सीट मिली, इतने साल सत्ता में रहने के बाद समान शिक्षा क्यों नहीं लागू किया, समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू किया, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बनाया, तुमने अश्लीलता नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं बनाया, तुमने नशा के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया, तुमने भारत के संविधान को लागू करने के लिए क्यों नहीं बनाया, तुमने वेद पुराण को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पुराण को शिक्षा व्यवस्था में शामिल क्यों नहीं किया, तुमने भगवद गीता और रामायण को एजुकेशन में क्यों नहीं डाला, तुमने सेकुलर शब्द भारत में क्यों जोड़ा, तुमने सोशलिस्ट शब्द भारत में क्यों जोड़ा, ये आप कांग्रेस वालों से पूछना, क्योंकि वैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है तब ये कांग्रेस के नेता आपके पास आएंगे। और इस बार आप जो वोटिंग करना वो दिल लगा के मत करना, दिमाग लगा के करना, इस बार जो वोट देना वो सोच समझ के वोट देना, इस बार जो वोट देना जाति के आधार पर मत देना, भाषा के आधार पर मत देना, क्षेत्र के आधार पर मत देना, इस बार वोट देना मुद्दों के आधार पर। जो वोट मांगने आए उससे ये जरूर पूछना कि तुम नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं, और बनाओगे तो इसकी घोषणा करो। जो आए यहाँ पे वोट मांगने आपके दरवाजे पे उससे पूछना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है। जो आपसे वोट मांगने आए उससे पूछना ये थाने दलाली के अड्डे क्यों बने हुए हैं, ये तहसील में भ्रष्टाचार इतना क्यों है, ये हवलदार पेशकार इतना देश को क्यों लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, संपत्ति को आधार से लिंक कब किया जाएगा, घुसपैठियों को कब निकाला जाएगा, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे कठोर कार्रवाई कब होगी, ये आप पूछना। अगर आप नहीं पूछोगे तो याद रखिए जैसे पाकिस्तान से मिट गए, अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए, बांग्लादेश से भी ख़त्म होने के कगार पे हैं, भारत के 9 राज्यों से ख़त्म हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, भारत के 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, देखते देखते एक दिन अपने जिले में भी आप खत्म हो जाओगे। और कश्मीर वाले तो पलायन करके दिल्ली आ गए, बंगाल वाले तो पलायन करके असम में चले गए, मणिपुर वाले पलायन करके फिर बगल के राज्यों में चले गए, आप कहाँ जाओगे, सोचना आपने। इसलिए इन वोट जीवी और नोट जीवी नेताओं से खुल के सवाल करिए, और अगर मेरी बात से सहमत हो इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में डाल दीजिएगा, अपने फेसबुक पे डाल दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पे जरूर फैलाइएगा, अगर आप ट्वीट कर सकते हैं तो इसको ट्वीट भी करिएगा, और अपने जान पहचान के नेताओं को कहिए कि इन बातों का जवाब दें, नहीं तो ये वोट जीवी और नोट जीवी नेता 20 साल के बाद 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आज का कठोर कानून आपके बच्चों को बचाएगा, आज के अच्छे नेता जिनको आप बहुत अच्छा मानते हो ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे।